दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप की एक और खबर देने वाला हूं मैं आपको, और वो खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मिस हो गई थी अभी तक की वीडियोज में, मैं आपको बता नहीं पाया। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। करेक्शन डेट को लेकर ये खबर है कि एक बार अभी और करेक्शन की डेट आएगी, एक और मौका सुधारने का, आपको अपना फॉर्म सुधारने का एक और मौका मिलेगा। तो इस पर मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करूंगा आगे। तो आपको वीडियो पर बने रहना है, और उससे पहले क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक और न्यूज ये थी कि करेक्शन डेट अभी फिर से एक आनी है जनवरी में। 14 जनवरी से करेक्शन डेट स्टार्ट होगी। जो अपडेट है उसके मुताबिक, जो उनकी समय सारणी है ऑफिशियल यूपी स्कॉलरशिप कमेटी की, तो उसके अनुसार आपको 14 जनवरी से एक बार और करेक्शन का मौका मिलेगा, यानी अपने फॉर्म में की हुई त्रुटियों को सही करने का एक और मौका मिलेगा। लेकिन जो उसमें दिया गया है तो उसके हिसाब से मौका केवल उन छात्रों को मिलना है जिनका फॉर्म 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में पड़ा था, और जिनका फॉर्म इसके पहले पड़ चुका है 31 अक्टूबर तक, तो उनके लिए ऑलरेडी संशोधन के लिए वेबसाइट खुल चुकी है और कई छात्रों ने अपने करेक्शन कर भी लिए हैं। कुछ छात्र नहीं कर पाए हैं या नहीं हो पाया है, जैसे कि ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था कुछ चीज़ों का। तो आप लोग करेक्शन डेट जब 14 को आएगी उस पर उस समय हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। पुराने स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनका करेक्शन नहीं हो पाया है, तो यार एक बार ट्राई कर लेना, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं हो पाता तो ये उनके लिए है। और मैं वो डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 14 को आएगी, वो समय सारणी भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको समय सारणी पर ले चलता हूँ। तो देखिए ये यूपी स्कॉलरशिप कमेटी की लेटेस्ट जो समय सारणी है वो है, इसके पहले वहाँ डेट दी गई थी 14 जनवरी, लेकिन लेटेस्ट समय सारणी में अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और जो ये करेक्शन डेट आएगी तो आप यहाँ देखिए, ये 8वें नंबर कॉलम पर आपको देखना है कि संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः ऑनलाइन सबमिट किया जाना। तो ये जो डेट है ये देखिए 17 जनवरी 2019 से 28 जनवरी 2019 तक रहेगी, यानी आपको 11 दिन का मौका मिलेगा अपना फॉर्म सही करने का। लेकिन जो इसमें दिया गया है ऑफिशियल, वो तो यही दिया गया है कि जिन छात्रों ने 16 से 26 नवंबर के बीच में अप्लाई किया है ये उनके लिए है। लेकिन मैं पुराने छात्रों को भी सलाह दूंगा, जिन्होंने मतलब जिनका की करेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनका पहली बात तो 10 जनवरी को स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, तो अगर वेरीफाइड आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका अगर वेरीफाइड नहीं आ पाता है तो वो लोग यहाँ एक बार ट्राई कर लेंगे 17 जनवरी को, तो करेक्शन अगर हो पाएगा तो कर लें। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, अगर आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे तो फिर आपके जनवरी में स्कॉलरशिप आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्कॉलरशिप मार्च में आएगा। लेकिन अगर वहाँ वेरीफाइड हो जाए तो आपको यहाँ आकर कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 9वां नंबर जो है, तो उसकी हार्ड कॉपी और समस्त जो संलग्नक होते हैं उन्हें लगाकर सबमिट, फाइनल सबमिट करने के 2 दिन यानी विलंबता वो 31 जनवरी तक आप लोग अपनी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो जमा करवा देंगे तो एक और करेक्शन डेट आएगी, ये मैं बता दूं। और उनकी जो स्कॉलरशिप आएगी जिन्होंने नवंबर में फॉर्म फिल किया है, तो उनकी स्कॉलरशिप 20 मार्च तक आएगी मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं 20 मार्च 2019 तक। और जिन्होंने अक्टूबर में फॉर्म फिल कर दिया था तो उनकी स्कॉलरशिप 24 जनवरी 2019 तक आ जानी है। तो यही बताना था इस वीडियो में। और कुछ छात्र जो हमको कमेंट करते हैं लगातार कि सर हमारा स्टेटस ही नहीं शो हो रहा है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एमसेंट ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए। देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरी साइट एक बहुत सही चलती है इस ब्राउज़र में, और तुरंत स्टेटस भी ओपन हो जाता है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाती है, उसमें कभी भी यार सॉरी कभी नहीं दिखाता है। तो ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र की जगह आपको एमसेंट यूज करना है। और अगर एमसेंट ब्राउज़र आपके फ़ोन पे नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको
एमसेंट ब्राउजर की, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आप यहाँ से एमसेंट ब्राउजर से यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोलकर बड़े इजीली ढंग से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।